नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का यानी कि आईबीएन 24 के तमाम व्यूवर्स का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब भी हम इस तरीके की कोई खबर चलाते हैं कि कोई सामान किसी व्यक्ति को करनाल में मिला है और आपको उस खबर को शेयर करना है, तो आप बिना कहे उस खबर को शेयर करते हैं, निस्वार्थ भावना से उस खबर को शेयर करते हैं, ताकि उस खबर को शेयर करने के बाद किसी इंसान का फ़ायदा हो सके, उसको अच्छा लग सके। और सुबह आपको याद होगा, हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति को करनाल की नई अनाज मंडी के पास ये काले रंग का बैग मिलता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ कपड़े हैं, लगभग 700 रुपये भी हैं और भी कुछ ज़रूरी सामान है जो किसी व्यक्ति का हो सकता है और उसके बेहद काम का ये सामान हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह आईबीएन 24 ने आपको ये खबर दिखाई थी, आपने इस खबर को बहुत ज़्यादा शेयर किया, जिसके बाद एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं, करनाल में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, करनाल में फिलहाल ये हलवाई का काम कर रहे हैं, यानी कि खाना बनाने का काम कर रहे हैं। और इनके लिए इस बैग की कीमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ कर देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और राज्य से यानी कि बिहार जैसे राज्य से हरियाणा में आया हो और उसका सारा रहने का सामान इस बैग में था और ये बैग रास्ते से जाते हुए कल शाम को जो बताया जा रहा है कि रास्ते से गिर गया था, किसी व्यक्ति ने अच्छी ईमानदारी दिखाई, आईबीएन 24 के दफ्तर पर ये बैग लेकर पहुंचा। सुबह हमने आपको ये खबर दिखा दी, आपने उस खबर को शेयर किया, जिसके बाद हमारे साथ वे व्यक्ति मौजूद हैं जो इस बैग के असली मालिक हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको आपका बैग मिल गया। कल रात से कहां कहां ढूंढा, कितने ज्यादा परेशान थे, क्या नाम है आपका? ढूंढते ढूंढते थक गए, फिर ताराचंद महतो जी। कहां से? समस्तीपुर जिला से। कहाँ गुम हो गया था बैग? मंडी से हम लोग जा रहे थे दूसरे जन को प्लांट में काम करने के लिए, तो रास्ता में गिर गया था। गिर गया था? हाँ, ऑटो से? हाँ जी, टेम्पू से गिर गया था। कब की बात है ये? लगभग वही 7:30 बजे के टाइम। तो फिर आपको उस समय पता नहीं लगा, आप कहाँ चले गए वहाँ से? नहीं, अनाज क्या उसका चुंगी से आगे निकले, तब जाके पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भराने गया, तो वहाँ पर देखे हमारा बैग नहीं है। बैग नहीं है? अकेले थे आप ऑटो में? जी नहीं, एक व्यक्ति और था जी। तो दोनों आदमी फिर हम वापस आए, टेम्पू वाला भी वापस, लेकिन हमारा सामान नहीं मिला। नहीं मिला था। फिर मंडी हम लोग रात भर रुके, फिर सुबह में जाके चारों कच्चा ढूंढे, नहीं पता चला, फिर हम चले गए दूसरे जगह। फिर वहाँ से जाकर न्यूज में हम देखे, दूसरा बंदर ने कोई बताया, किसी ने आपको दिखाई, आपने अपने फोन में देखा? नहीं, दूसरे ने कोई कहा। आपके पास कोई फोन है, एंड्रॉइड फोन है? हाँ है जी, लेकिन अपने हम नहीं देखे, दूसरा कोई देखा तो हमको फोन किया, जिस तरह तुम्हारा सामान रखा हुआ जाके ले आओ। फिर वहाँ से हम भागे भागे तब यहाँ आए। तो आप क्या कुछ सामान है इस बैग में? कपड़े लेते हैं, कुछ खाने पीने के भी कुछ सामान है जी। तो कितना जरूरी था आपके लिए ये सामान? हमारे लिए तो बहुत जरूरी था जी, इसमें सारे आपके सारे कपड़े लेते हैं, गर्मी कपड़े के जितने स्वेटर वेटर सारे हैं इसी में। अच्छा, सर्दियों के कपड़े इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी थे फिर तो ये। हाँ जी। तो अभी आपने कुछ पहना नहीं हुआ क्या बात? सर्दी तो है? नहीं नहीं। क्या ठंड नहीं लगती है? नहीं लगते तो है, अब क्या करें, सामान को हो गया था, सामान इसमें था तो कुछ उसकी वजह से भी परेशान है। हाँ जी, परेशान थे बहुत ज्यादा। हाँ जी, नुकसान हो जाता अगर बैग नहीं मिलता तो। तो जो व्यक्ति सुबह बैग देने आए थे आईबीएन 24 पर, खबर आधार कार्ड के लिए हम सबसे ज्यादा परेशान इसके लिए थे, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं मिलते थे। अच्छा, डुप्लीकेट तो नहीं मिल जाते हैं, लेकिन कोई काम का होता नहीं, उसके लिए हम सबसे ज्यादा परेशान इसके लिए हम थे, आधार कार्ड के। हाँ जी, तो आधार कार्ड हम मिल गया। हाँ, मिल गया, इससे अभी हमको बहुत खुशी मिला। तो मैं आपको बता दूं, शायद बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि क्या क्या रहे अंकल। दरअसल अंकल ये कह रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान कपड़ों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने आधार कार्ड के लिए था। क्योंकि आप ये बात समझ कर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बिहार से अगर कोई व्यक्ति हरियाणा में काम करने के लिए आ रहा है और अचानक से उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गुम हो जाए, तो उसके लिए बड़ी परेशानी का काम हो जाता है। क्योंकि उसके लिए परेशानी की वजह ये कि मैं काम करूँ या फिर मैं अपने आधार कार्ड दोबारा से बनवाने जाऊं या फिर कहीं और कंप्लेंट करूं। लेकिन व्यक्ति काफी ज्यादा खुश हैं। खुश हैं आप? हाँ, अभी जी, हाँ जी, धन्यवाद करेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को कि बहुत धन्यवाद। किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं? सामान हमारा जो मिल गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। तो उन व्यक्ति को भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने बैग लिया, उनको भी करेंगे, टेम्पो वाले को भी करेंगे। ये बात है, टेम्पो वाले भी हमको फोन किए, आपका सामान पैसे वगैरह भी है इसमें बैग में? हाँ, चेंज पैसे, खुले पैसे होंगे, खुले पैसे। हाँ जी, सारे कपड़े वगैरह। हाँ जी, तो परिवार को भी आपने सूचना दी, क्योंकि परिवार जो जानकारी मिली है कि बिहार में है, परिवार को बताया था कि बैग मेरा गुम हो गया? हाँ, उनको तो हुआ भी बताया। हाँ जी, बताया तो पत्नी ने क्या कहा? चिंता है पर वो भी, देखिए खोलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो क्या कीजिएगा, जो खो गया खो गया, लेकिन आधार कार्ड के देखिए कहीं कोशिश करके, मुश्किल हो जाती है आधार कार्ड नहीं होता सबसे ज्यादा, उन हुआ से भी परेशानी हुई आधार कार्ड के लेके, और कुछ क्योंकि नौकरी करने में भी मुश्किल हो जाती है, हर जगह आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है।
इसी के लिए आधार कार्ड। क्या काम करते हैं आप? हम तो ये हलवाई का काम करते हैं। पहले कहाँ काम कर रहे थे? नई अनाज मंडी में? हाँ, नई अनाज मंडी में। और अब? अभी तो ये क्या सेलर है कोई चावल का, उसी रोड पर आ रहे हैं सेलर है, वहाँ पर। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि पहले अनाज मंडी में हलवाई के तौर पर काम कर रहे थे और अब काछवा रोड पर बता रहे हैं कि एक शैलर है जहां पर मैं अब फिर से नौकरी शुरू करूंगा। कितना टाइम हो गया हरियाणा आए हुए बिहार से? 6-7 साल। छः सात साल तो हाँ। पहले कभी ऐसा हुआ है बीच में कि कभी कोई सामान गुम हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ जी। तो घबरा गए होंगे कल तो आप? हाँ, पूरे घबरा हुए थे जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं थे। रोए भी थे क्या बीच में? नहीं रोए थे, लेकिन चलिए रोए नहीं थे और हम चाहेंगे भी नहीं कि रोए, लेकिन लड़कियाँ बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं अगर उनका सामान गुम हो जाए। और अंकल काफ़ी स्ट्रांग हैं और उनका बैग उनको मिल गया है। मैं चाहूँगी कि अब आप अपना बैग उठा सकते हैं, आराम से खुश हो जाइए। सारा सामान चेक कर लिया आपने? सब सही होगा जी, बैग में बरामद ही आकर सामान नहीं गोलोने वाला है, ये तो विश्वास है। ये भरोसा है iBN24 पर और भरोसा हमें भी आप पर हमेशा रहता है कि आप लोग हमारी खबरें देखते हैं, हमारी खबरों को पसंद करते हैं, खबरों को शेयर करते हैं और तभी आपकी बदौलत किसी एक का फायदा जरूर होता है, हर बार होता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। iBN24 की खबर का हर बार असर होता है और इस बार भी असर हुआ है और इसी तरीके से असर दिखाते रहिएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।